देखिए, कल हमने ये आपको एयर सर्किट बारे में हम बता रहे थे, जिसमें दो चीज हम कल बताए थे। इसमें क्या है, आप दो चीज वो मैं थोड़ा क्लियर हो कर लीजिए। इसमें क्या है, सो देखिए, ये इसका रेंज अलग है, इसका रेंज अलग है। ये जो है, ये जो देख रहे हैं, ये है कि लाइट और कम लोड, लाइट लोड में इसको आप चला सकते हैं। ये भी 3 फेज का है, लेकिन ये जो आता है 160 एम्पीयर से 440 वोल्ट तक जो भी चलाना है आप चला सकते हैं। और लाइट जैसे कहीं भी लाइट देते हैं, जैसे माने अलग अलग पैनल है, वहाँ हर अलग अलग जो सेक्शन में लाइट देगा, लोड बढ़ेगा तो हर फेज को अलग देते हैं, तो उसका जो हम लोग कंट्रोल करते हैं वो इससे हम लोग करते हैं। अब इसमें देखिए, ये जो है आपका एयर सर्किट ये भी है, लेकिन ये है एलटी पैनल के लिए, जो एचटी से पावर एलटी में आता है, एलटी पैनल में जहां से हर पैनल, हर मोटर चलाने के लिए पैनल बनाया रहता है, उसका ब्रेकर भी एयर सर्किट ब्रेकर ही होता है। वह कितना का है, वो 2400 एम्पियर का होता है, 440 वोल्ट का रहता है। ये है 2400 एम्पियर तक ले ये बेयर करता है। अब देखिए इसमें क्या है, ये कल भी हम बता दिए थे कि इसका इसका इसको क्या है, इसमें आरचूट है, लेकिन उसमें आरचूट नहीं है। यहाँ आरचूट क्या है, ये 2400 एम्पीयर, जैसे इसको क्या होता है, ये फर्स्ट देखिए, ये जो गोल गोल जो दिखाया हुआ है, ये एक्सिलरी कॉन्टैक्ट बोलते हैं। जब आप कहीं काम कीजिएगा तो खोलिएगा, जैसे आरचूट खोलिएगा तो सारा पोर्शन दिखाई पड़ेगा। तो वहां पर क्या है, इसको ये फर्स्ट जब ऑन करते हैं तो पहला ये टच करता है। इसको टच करने के बाद जब आप इसमें जब टच होगा, फर्स्ट में ये, इसके बाद ये टच होगा, मेन ये टच होगा। तो फर्स्ट में क्या होता है, इसीलिए कि इसमें अगर इसको टच करने का मतलब इसलिए होता है कि अगर इन केस किसी भी तरह का लाइन शॉर्ट है या कहीं लीकेज है तो यहाँ आपको स्पार्क करेगा। अगर स्पार्क हैवी इसमें देने लगे तो ऑन मत कीजिए, तब फॉल्ट को दूर करने की कोशिश कीजिए किस पैनल से हो रहा है। अगर नहीं हुआ तो आप इसमें हल्का चिल्का रिफ्रिजरेटर तो आप सटा दीजिए और इसको ऑन कीजिएगा, पावर से जाना शुरू हो जाएगा। वो हर पैनल में है। ये आपका केवल एसी बी है, एयर सर्किट ब्रेकर के बारे में। अब देखिए कि इससे एक और महत्वपूर्ण जो है, ये जो हम बता रहे हैं, यहाँ देखिए ओसीबी, अभी नहीं कल देखे बता देंगे, यहाँ देखिए एमसीसीबी, ये है मॉड्यूलेट कैश सर्किट ब्रेकर, मॉड्यूलेट कैश सर्किट ब्रेकर ब्रेकर इसका फुल फॉर्म नाम है। अब देखिए ये आता है क्या साइज में, 63 से शुरू होता है, 63 एम्पियर से लेकर के 400 एम्पियर तक ले ये आता है, इसको बोलते हैं एमसीसीबी। यह जो है बहुत ज्यादा उपयोगी होता है, हर पैनल में अलग अलग रहता है, लोड के अनुसार इसको लगाया जाता है। ये जो है इसमें, इससे इसमें दोनों में अंतर है। इसको आप जब ब्रेकर जो खोलते हैं, ढक्कन जब खोलिएगा, हैंडल ऑन करना पड़ेगा। ये क्या है, जब पैनल खोलिएगा, लेकिन यह इसका कवर बिल्कुल बंद रहता है, आप आराम से ऑन कर सकते हैं, इसमें डर नहीं है। इनकेस अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होगा भी तो वह तुरंत ट्रिप कर जाएगा, या स्पार्क भी अगर होगा तो उसके अंदर में होगा, आपका उतना दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए क्या है इसमें, क्या है सो देख ली, इसमें एक बहुत बड़ा फायदा क्या है कि इसमें ओवरलोड लगा रहता है, टेम्परेचर लगा रहता है कि अगर अधिक टेम्परेचर होगा तब ये ट्रिप करेगा, ओवरलोड रहेगा तब ट्रिप करेगा, और शॉर्ट सर्किट के भी लगा रहता है कि किसी भी कारण से जिस पैनल से ये एमसीसीबी से चल रहा है वह अगर सर्किट में शॉर्ट सर्किट है तो यह है उतना ट्रिप करा देगा, या ओवरलोड होगा तब ट्रिप करा देगा। टेम्परेचर अगर हाई हो रहा है, टेम्परेचर सेटिंग भी इसमें है, उसको अगर सेटिंग उसमें से है, उससे अगर अधिक टेम्परेचर जाते रहेगा तो ये तुरंत गर्म या गर्म होगा या ट्रिप कर जाएगा। इसलिए ये इसमें बहुत ज्यादा सेफ्टी भी है और फायदा भी है। यह कितना बाजार में है, यही इसमें आता है। अब रह गया कि कोई भी, जैसे सपोज कीजिए आप 63 एम्पियर का कोई कहीं भी पैनल है उसको चला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं, 100 एम्पियर का, 90 किलोवाट का मोटर है, 220 HP का मोटर है, वो आपको चलाने के लिए उसका जो कंट्रोल करेंगे ये इससे हम लोग करते हैं। इसके बाद ये जो इससे कम है उसको जो हम लोग कंट्रोल करते हैं, जैसे 30 किलोवाट का मोटर, 45 किलोवाट का मोटर, ये सब जो होता है उसमें एमसीसीबी की जरूरत नहीं है। कब है,
अब उसमें क्या होता है, उसमें एक्सीलरेटर लगा रहता है, एक्सीलरेटर जो आता है वो भी 63 एम्पियर का होता है और 63 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक होता है। तो 63 एम्पियर से 100 एम्पियर तक का जो 30 किलोवाट का मोटर है, 45 का है, 55 का है, आप एक्सीलरेटर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है, एक्सीलरेटर में दिक्कत ये है कि वो आप जो जब एक्सीलरेटर ऑन कीजिएगा तीनों फेज अलग अलग खुला रहता है। आप जैसे ऑन कीजिएगा तो ये 3 फीस ऊपर फिक्स रहता है और नीचे इनकमिंग नीचे से जाता है, ऊपर से जाकर फ्यूज में कनेक्शन किया रहता है। आप जैसे ऑन कीजिए, अगर इनके आप सारा सर्किट दे दिए और ऑन करना चाहिएगा तो क्या होगा, सारा लोड लेके उस पर सर्किट पर चला जाएगा, कंडक्टर होते हुए मोटर तक चला जाएगा। आप जैसे कोई उसी समय बाय द वे ऑन कर दिया तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या होता है, वो जो कंडक्टर का है उसको ऑफ कर देते हैं, कंट्रोल स्विच लगा रहता है, कंट्रोल आपका फ्यूज लगा रहता है, उसको आप निकाल दीजिए। निकाल देने के बाद में और इसके बाद पावर सर्किट जो एक्सीलरेटर से जाता है उसमें उसको पावर फ्यूज को निकाल दीजिए, आराम से एक्सीलरेटर ऑन कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पावर खड़ा होगा, वो फ्यूज में खड़ा हो जाएगा। आप जैसे आप कुछ सब कुछ सब ठीक है तो फ्यूज लगा लीजिए और तब आप इसके बाद में आप कंट्रोल फ्यूज लगा दीजिए और तब पावर या आउटगोइंग खोल दीजिए, इसको कंडक्टर का आउटगोइंग खोल दीजिए और इसके बाद में ऑन करके देख लीजिए कि आपका बहुत सही सलामत कंडक्टर होल्ड करता है, तीनों फेज बाहर हो रहा है कि नहीं, तीनों फेज बाहर हो रहा तो बिल्कुल ओके होगी। इसके बाद आप वहाँ मोटर कनेक्शन वहाँ देखिएगा तो वहाँ पर क्या कहता है कि वहाँ कनेक्शन मत कीजिए, वहाँ पर कनेक्शन मोटर कनेक्शन मत कीजिए, यहाँ आप पैनल में कनेक्शन करके यहाँ की फिर ऑन करके देखिए वहाँ तक 3 फेज जा रहा है कि नहीं, वहाँ आप टेस्ट कर लीजिए, टेस्ट लैंप से रेडी है, इसके बाद कर तब आप एक्सीलरेटर का ऑन कीजिएगा तो आपको किसी भी दिक्कत नहीं होगी। वह जो है जो एक्सीलरेटर जो होता है वो 63 एम्पियर से लेकर के 100 एम्पियर तक आता है, इससे बेसी नहीं होता है। और इसमें जो ये देख रहे हैं MCCB जो है ये 63 एम्पियर का जो यहाँ लगा हुआ है उसमें क्या होता है, MCCB एक हैंडल होता है, अगर शॉर्ट टोटल बंद रहता है, MCCB का ढकना पूरा बंद रहता है, उसमें कंटेक्ट 3 फेज रहता है, 3 फेज का तीनों फेज का आर्चूट लगा रहता है, ऐसे ढकना से आर्चूट दिया रहता है, जैसे ये आर्चूट है उस तरह से में तीनों में समा रहता है। ये अगर इसमें किसी तरह स्पार्किंग होगा तो ये इसका स्पार्क इसके साथ टच नहीं करे, इसका स्पार्क टच नहीं करे, इसलिए इसमें आर्चूट दिया रहता है, जैसे स्पार्क नहीं हो, नहीं तो जैसे आप हटा दीजिएगा और तब आर्चूट अंदर बैठा रहता है, कोवर खोलिएगा आर्चूट निकल जाएगा, कंडक्टर ऐसे बाहर है, इस तरह से बाहर दिखाई पड़ेगा। तो उसमें क्या है, उसको ऑन करने पहले आर्चूट आप बैठा दीजिए, बैठाने के बाद में इसके बाद में कंडक्टर को MCCB का कोवर को बंद कर दीजिए, आप ऑन तब ऑन कर सकते हैं। एक हुआ डायरेक्ट हाथ से ऑन करने का, दूसरा है उसे एक स्विच हैंडल रहता है जो वो एक्सीलरेटर MCCB बोलते हैं, वो क्या होता है कि आप जैसे उसको वो हैंडल अपने आप ऑन करके छोड़ दीजिए और इसके बाद जैसे कंडक्टर ऑन कीजिएगा मोटर चलना शुरू हो जाएगा, पावर जाना शुरू हो जाएगा। नतीजा अब क्या होगा कि जैसे अगर किसी तरह शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो हैंडल पड़ा से नीचे गिर जाएगा और पोजिशन पर आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, पावर कट जाएगा। तो कहने में कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ, ओवरलोड हुआ तो ऐसे समय में वह MCCB ट्रिप कर जाता है और यह भी ट्रिप कर जाता है। किसी भी तरह से MCCB में केबिल में कहीं भी शॉर्ट में या मोटर जल गया, हो सकता चल चलते मोटर जल गया, धाम जल गया, तो तुरंत वो ये MCCB ऑफ हो जाता है। ये इसीलिए इसका अधिक उपयोग होता है। आज इतना ही, कल फिर दूसरे दिन और बताएंगे।